Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. लेक्चर वन के अंदर हमने वेरिएबल्स और टाइप कन्वर्जन को देखा था। आज का जो लेक्चर है इसमें हम पिछले लेक्चर को ही थोड़ा सा मजीद आगे लेके जाएंगे। उसके अंदर आज के लेक्चर में फंक्शंस को और ग्लोबल वेरिएबल्स का कंसेप्ट देखेंगे। लास्ट टाइम जो लेक्चर था जिसमें तरह इन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा कोड रिपीट हो रहा है, तो क्या हम उसको कम कर सकते हैं, क्या हम उसको रीयूज कर सकते हैं। एक बटन पे लिखा हुआ कोड दूसरे बटन में कॉल नहीं हो सकता, ठीक है, इनडायरेक्टली इवेंट के थ्रू कॉल हो सकता है, लेकिन उस तरह अगर आप कॉल करते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या आएगी। सम का बटन है, माइनस वाले में सम वाला कोड कॉल करेंगे तो सम होगा, ठीक है। तो आप एक बटन का इवेंट दूसरे बटन के अंदर कॉल कर सकते हैं ताकि आपको नए कोड ना लिखना पड़े। लेकिन यह है कि ऑपरेशंस डिफरेंट हैं, प्लस के लिए अलग ऑपरेशन है, माइनस का अलग ऑपरेशन है, तो इसलिए आप फंक्शंस को और ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज़ कर लें। इसके जो फंक्शंस हैं .NET के अंदर, ये सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस के फंक्शन से मुख्तलिफ हैं। सी और सी प्लस प्लस के फंक्शंस में आप डेफिनेशन करते हैं, प्रोटोटाइपिंग करते हैं और कॉल करते हैं, जबकि .NET के अंदर आप फंक्शंस को डिफाइन करेंगे और कॉल करेंगे, प्रोटोटाइप की ज़रूरत नहीं है। सी प्लस प्लस में अगर आप फंक्शन ऊपर डिफाइन करते हैं और नीचे कॉल कर रहे हैं तो फिर आपको प्रोटोटाइप ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन .NET में फंक्शन बेशक नीचे हो या ऊपर हो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है, प्रोटोटाइपिंग की ज़रूरत नहीं है। एक न्यू प्रोजेक्ट ले लिया, इसको मैं नाम दे देता हूं लेक्चर टू, उसके बाद आप टूल बॉक्स में से आप कंट्रोल्स जो रिक्वायर्ड है वो ले लें। लेबल ले लिया एक फर्स्ट इंटीजर के लिए, ये सेकंड इंटीजर के लिए और ये थर्ड। इसके अलावा तीन टेक्स्ट बॉक्सेस, ये पहली इनपुट, ये सेकंड टेक्स्ट बॉक्स और ये रिजल्ट के लिए आ जाएगा। फिर इसके अलावा बटन आ जाएंगे प्लस के लिए, माइनस के लिए, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस। प्रॉपर्टीज विंडो पे आ जाएं, प्रॉपर्टीज विंडो में ये आ जाएगा, इसका टेक्स्ट चेंज कर लें, यहाँ पे एंटर फर्स्ट इंटीजर, इधर आ जाएगा हमारे पास एंटर सेकंड इंटीजर, इधर आ जाएगा रिजल्ट, ये आ जाएगा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस। प्लस पे डबल क्लिक कर लिया, लेकिन मैं इस पे डायरेक्ट कोड नहीं करूंगा, पहले मैं फंक्शन बनाऊंगा सबसे टॉप पे, ठीक है। अब आपने वेरिएबल्स डिफाइन कहां पे करने हैं, सबसे बाहर हमारे पास आती है नेम स्पेस। नेम स्पेस बेसिकली जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसको हम नेम स्पेस करते हैं। एक नेम स्पेस के अंदर जितनी भी क्लासेज हैं वो आपस में इनहेरिट भी हो सकती हैं और कॉल भी हो सकती हैं। अगर कोई और प्रोजेक्ट है उसका नेम स्पेस डिफरेंट होगा, उसकी अगर कोई क्लास है तो आप इसमें कॉल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो क्लासेस के कंसेप्ट पे जब जाएंगे तो मैं आपको क्लासेस का बताऊंगा कि कहाँ डिफाइन करनी है और किस तरह करनी है, लेकिन नेम स्पेस जो होता है वो सेम रहेगा, ठीक है। नेम स्पेस डिफाइन करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है
कि आपकी डिफाइन की हुई क्लासेस या आपका डिफाइन किया हुआ कोड किसी और प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं हो सकता। उसके बाद फिर आपके पास क्लास आ जाती है, और क्लास आपकी कौन सी होगी, जिस नाम से फॉर्म बना होता है उसी नाम से क्लास बनी हुई होगी। आपने इस क्लास के अंदर कोड करना है। अगर मैं नेम स्पेस के अंदर में लिखता हूँ int, तो ये int डिफाइन करने नहीं देगा, ठीक है। आपने क्लास के अंदर वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। मैंने इंटीजर ए और बी दो इंटीजर्स ले लिए, और एक डबल इसको मैंने आर नाम दे दिया। डबल डेटा टाइप में हमने ये देखा था कि ये होल नंबर्स को भी स्टोर कर सकता है और डेसिमल नंबर्स को भी स्टोर कर सकता है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई हर एक के लिए आप डबल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनके बाद अब फंक्शन में डिफाइन करूंगा। फंक्शन सबसे पहला फंक्शन क्या करेगा, इनपुट के लिए यूज होगा। फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर बताते हैं, जो कि प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है और प्रोटेक्टेड भी हो सकता है। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या करते हैं, हाँ, क्लास के अंदर ही सिर्फ एक्सेस होगा। पब्लिक जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं उनसे वेरिएबल्स जो होते हैं वो आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस हो सकते हैं, और अगर प्रोटेक्टेड है तो सेम क्लास में भी कॉल हो सकता है और इनहेरिटेड क्लास में भी कॉल हो सकता है। यहाँ पर एक प्राइवेट आ गया, फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, मैंने वाइड लिख दिया, और फंक्शन का नाम है गेट डेटा। यहां पर मैंने फंक्शन की डेफिनेशन कर ली, प्राइवेट वाइड, प्राइवेट रिटर्न टाइप आ गई, सॉरी प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है, वाइड वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, और गेट डेटा जो है ये फंक्शन का नाम आ गया। इसका ब्लॉक बना लिया। इस ब्लॉक के अंदर सबसे पहले a इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, फिर b इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। यहाँ पे b के लिए 2 होगा। तो हमारे पास ये इनपुट का काम हो गया, ठीक है। इसके लिए मैंने एक रहता फंक्शन बना लिया। अब सारा काम एक फंक्शन में नहीं हो सकता, वजह क्या है, उसके अंदर ऑपरेटर्स चेंज है। अगर हम इफ कंडीशन में गए तो फिर काम कर सकते हैं कि एक ही फंक्शन हो वो हर जगह कॉल हो जाए पैरामीटर्स के थ्रू, लेकिन यह कि चूंकि हम पैरामीटर्स यूज नहीं कर रहे, डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, तो ये इनपुट के लिए आ गया। फिर एक फंक्शन आ गया प्राइवेट वाइड शो डेटा। शो डेटा क्या करेगा, आउटपुट डिस्प्ले करेगा, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू आर डॉट टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कन्वर्जन के दो तरीके हैं, एक हमने लेक्चर 1 में देखा था कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और उसका जो पैरामीटर है, पैरामीटर में आप टेक्स्ट बॉक्स का नाम या वेरिएबल का नाम या जो भी ऑब्जेक्ट है उसका नाम दे देते हैं। दूसरा तरीका यह है कि शॉर्ट डेटा के अंदर जिस तरह मैंने किया है वेरिएबल का नाम डॉट टू स्ट्रिंग, ये सिर्फ स्ट्रिंग के लिए है। अब टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टू इंटीजर नहीं है, ठीक है। यहां पर अगर आप आर के साथ डॉट डालें तो इसमें आपको कन्वर्जन में सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रहा है टू स्ट्रिंग, बाकी इसके अंदर डिफाइन नहीं है। अब ये पहला बटन का कोड आ गया प्लस का। प्लस क्या करेगा, सबसे पहले गेट डेटा इनपुट लेगा। इनपुट लेने के बाद आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, आर किस की इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी के, और फिर शो डेटा। गेट डेटा ए और बी इनपुट लेगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए और बी प्लस हो जाएंगे, और ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स को फंक्शन भी एक्सेस कर रहे हैं, और इन्हीं ग्लोबल वेरिएबल्स को बटन में भी एक्सेस किया जा रहा है इवेंट के अंदर भी। तो दोनों जगहों पे एक ही वेरिएबल है जो एक्सेस हो रहा है। फिर इसी तरह माइनस है, माइनस के अंदर सबसे पहले गेट डेटा, फिर आर इज इक्वल टू ए माइनस बी, और फिर शो डेटा। उसके बाद मल्टीप्लाई है,
मल्टीप्लाई में भी सबसे पहले गेट डेटा, आर इज इक्वल टू ए स्टेरिक बी और फिर शो डेटा, डिवाइड आ गया, डिवाइड के अंदर गेट डेटा, उसके बाद आर इज इक्वल टू कन्वर्जन लाजमी है। ठीक है, कल के लेक्चर में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जब भी हम कोई चीज डिवाइड करते हैं और वैल्यू इंटीजर हो तो उसको डबल में कन्वर्ट करना लाजमी है, अगर नहीं करते तो वो डेसिमल एक्यूरेसी आपको नहीं देगा, डेसिमल लॉस कर देगा। यहाँ पे कन्वर्ट डॉट टू डबल ए को डिवाइडेड बाय कन्वर्ट डॉट टू डबल बी को, ए और बी डिवाइड हो जाएंगे और फिर शो डेटा, फिर रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह मॉडुलस है, मॉडुलस में सबसे पहले गेट डेटा, आर इज इक्वल टू ए मॉडुलस बाय बी और फिर शो डेटा। इसको एग्जीक्यूट कर लें, यहां पे फर्स्ट इंटीजर, सेकंड इंटीजर और अब इसमें प्लस बाय दिस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस, तो सारे ऑपरेशंस कॉल हो रहे हैं जो कि हमने फंक्शंस के अंदर डिफाइन किए थे। पॉइंट समझ आ गया ये? अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा एक इशू है, अगर आप कोई वैल्यू खाली छोड़ देते हैं और क्लिक कर लेते हैं किसी भी ऑपरेशन पे तो ये आपको इनपुट स्ट्रिंग इनवैलिड दे रहे हैं। वजह क्या है? नल वैल्यू हमने दी है और जब नल वैल्यू वेरिएबल में कन्वर्ट हो रही है तो एरर आ रहा है। ठीक है, अब ये जो इनपुट्स ली थी, इन इनपुट्स से पहले इफ ब्रैकेट शुरू टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट इज डबल इक्वल टू डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट, अब ये जो है ये एम्प्टी के लिए है। अगर टेक्स्ट बॉक्स वन में जो टेक्स्ट है वो एम्प्टी होगा, एम्प्टी में एक चीज का ख्याल रखना, इधर आपने स्पेस नहीं डालनी। स्पेस क्या है? स्पेस एक करेक्टर है। अब उसमें वो क्या करेगा, स्पेस को एक्सेप्ट करेगा, बाकी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैसेज बॉक्स डॉट शो, मैसेज बॉक्स शो कर देगा, एंटर फर्स्ट इंटीजर, तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। और टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट फोकस, अब ये फोकस फंक्शन क्या करता है, कंट्रोल को उस टेक्स्ट बॉक्स पे भी भेज देगा। पहले आपको मैसेज देगा, मैसेज के साथ साथ आपको कापे जो कर्सर है कंट्रोल है वो टेक्स्ट बॉक्स वन पे भेज देगा। फिर आ गया एल्स इफ टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी, अगर टेक्स्ट बॉक्स टू एम्प्टी हो तो मैसेज बॉक्स डॉट शो मैसेज बॉक्स आ जाएगा, एंटर सेकंड इंटीजर और टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट फोकस और कर्सर को टेक्स्ट बॉक्स टू पे भेज देगा। एल्स आ गया और इस एल्स के अंदर इनपुट आ जाएगी, इनपुट कैंसिल हो गई है, ए इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इज 32 टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट और बी इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू एंड 32 टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट। अच्छा, बाकी जो अगली कंडीशन है कि ये डेसिमल नहीं होनी चाहिए वो बाद में अप्लाई होगी, अगर आप डेसिमल वैल्यू उधर डालेंगे इंटीजर में जब वो कन्वर्ट होंगे तो आपको एरर देंगे। लेकिन अब अगर मैं इनको खाली छोड़ देता हूँ प्लस, तो देखिए एंटर फर्स्ट इंटीजर और कर्सर उस कंट्रोल पे चला गया, सेकेंड इंटीजर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस, सही है ना, क्लियर हो गया ये कोड।